शुरू ही रहता है हर टाइम। चलो गाइस गेस हु आई एम, वही बता मैं कौन हूँ। अरे देख ले ट्रेलर जल्दी यार। अच्छा चलो अब आज तू स्टार्ट कर। स्टार्ट करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं गाइस। मतलब अच्छा इंट्रो देना है क्या? हाँ इंट्रो दो तू दे यार। नहीं यार तू दे, आज तू बोल यार। नहीं आज तू बोल, जल्दी बोल ले मैं चले जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ मैं इसे। ओके सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज हम करेंगे आदि पुरुष ट्रेलर जो अभी रिलीज हुआ, आज रिलीज हुआ है। तो हम करेंगे आदि पुरुष ट्रेलर, हम रिव्यू करेंगे आदि पुरुष के ट्रेलर का। मैं पूरी बात तो कहने दो मुझे। हम रिव्यू करेंगे आदि पुरुष ट्रेलर का जो आज ही रिलीज हुआ है। हमने ना टीजर देखा था। हाँ बहुत सारे देखे जब आया था, जब आया था क्रिटिसिज्म हुई थी। हाँ अभी हम उसका ट्रेलर देखेंगे। और क्या, अभी हम उसका ट्रेलर देखेंगे और हमने इसका टीजर देख चुका है, अभी फिर से भी देख लिया। हाँ, हमने फिर देख लिया एक बार ताकि हम कंपेयर कर पाए सही से, कंपेयर कि कितने चेंजेस आए हैं। और क्योंकि हमने ना काफी लोगों की स्टोरीज देखी कि भाई आदि पुरुष का ट्रेलर देखो भाई कितना। मैं तो फुकरा भाई का देखे, फुकरा भाई की स्टोरी देखी थी और उसमें फिर उन्होंने कहा था कि बहुत तगड़ा ट्रेलर है, जल्दी जाके देखो। तो मैंने कोमल का, मैंने कहा चल देखते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। चल 3 2 1 ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए। ये वाला फ्रेम थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे न्यू न्यूज है ना। हाँ उसमें नहीं है, नहीं मतलब ये फ्रेम नहीं मुझे सही लग रहा। क्यों? मतलब कितना ये सारी जो आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत न्यू न्यू सा लग रहा है, मॉडर्न मॉडर्न सा लग रहा है। अच्छा। तब जैसा नहीं लग रहा, पर चलो देखते हैं आगे देखते हैं। जिनका जीवन था मस्त फ्रेम है, बट ये है कि मतलब ना हमने ना शुरू से राम जी को लक्ष्मण जी को जैसे बिना बियर्ड के देखा है ना, तो एकदम से वो लुक आई है तो काफी ज्यादा मतलब ब्रॉड से विशाल ऐसे से लग रहा है। ये मतलब ये चीज मैं भी कहना चाहता हूँ कि प्रभास को देख के ना राम जी वाली फील आई नहीं रही। वो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि मतलब जब बोलो मैं बोलू तो बोल ही रहे। हाँ नहीं क्योंकि थोड़ा शायद लंबा हो जाएगा, 2 मिनट में गाइस 1 मिनट में बता दूंगा। मतलब राम जी ना जैसे हम रामचरितमानस में अगर आप पढ़ो तो उसमें राम जी का जो विवरण किया हुआ है उसमें बताया गया है कि उनका शरीर उन्नत था, मतलब उनकी जो कमर थी वो उन्नत थी, मतलब वो चेस्ट ब्रॉड था और लोअर पार्ट बहुत ब्रॉड, मतलब लोअर पार्ट ब्रॉड था, चेस्ट ब्रॉड था, लेकिन उनकी कमर पतली थी और उनकी ऐसे कहा जाता है कि उनके पेट पे 3 लकीरें थी। हाँ तो वो शायद एब्स ही होंगे है ना, तो 3 लकीरें ऐसे कहा जाता है कि बहुत किस्मत वाले होते हैं ऐसे लिखा हुआ उसमें, तो मेरे ख्याल से वो एब्स ही होते होंगे। तो वो उनका फ्रेम फिर है ना कितना लीन सा होगा और प्रभास का फ्रेम बहुत ब्रॉड सा है, तो मतलब प्रभास से मुझे वो फील नहीं आ रही राम जी वाली। मुझे तो ज्यादा से ज्यादा बियर्ड और मस्टैचेस को देख लक्ष्मण जी से फील आ रही है, मतलब लक्ष्मण जी अच्छी काफी है। और ये फ्रेम जिसपे हमने पॉज करा हुआ, ये फ्रेम बहुत प्यारा है, रियल लग रहा है बिल्कुल। मर्यादा का उत्साह और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म। एकदम से ब्रह्मास्त्र वाली फीलिंग आ गई जैसे ओ सेक्सी था ना यू। हाँ। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। अच्छा यार लेकिन मतलब पिछली वाली जैसे टीजर में मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो तो कितना अजीब सा था, मतलब कोई टेंपल रन वाला था। हाँ, कोई, हाँ, 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 हाँ। कोई पता नहीं क्या क्या था उसमें, पता नहीं वो उन्होंने क्लाउड चेस करने के लिए किया या किस लिए किया, मतलब पता नहीं क्योंकि अब तक तो बहुत रियलिस्टिक फील आ रही है। हाँ मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे पिछली बार लग रहा था, अच्छा लग रहा है। मतलब ये देख ओ सैफ भाई से तगड़ी फील आई इस बार रावण वाली बिल्कुल। और उसमें तो पता नहीं अब क्या पता, अब वैसे वो भी चेंजेस है मतलब वो तो जो उन्होंने दिखाया वो वाले नहीं आ रहे फ्रेम अभी तक तो कोई नहीं आया वैसा, और लेकिन क्या पता मूवी में वैसा हो गया तो। हाँ पता नहीं लेकिन जो अब दिखा रहे हैं कितनी अच्छी फील आ रही है सैफ अली खान से। वाओ आए नहीं कृति सैन सॉरी। वाओ वाओ यार कितना अच्छा फ्रेम। वाओ आप अयोध्या के युवराज हैं, एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा
मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वाह, बहुत भारी डायलॉग लिखे हैं भाई, जिसने भी लिखे हैं डायलॉग बहुत तगड़े हैं। और लगता है मनोज मुंतशिर ने लिखी हो मेरे ख्याल से। किन्होंने? मनोज मुंतशिर ने, पता नहीं, शायद हो सकता है। बाहुबली के भी उनके लिखे, उन्होंने लिखे हैं। अच्छा, हाँ, ये बेर वाला भी कहानी याद है। चकली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं, कर्म से छोटे। वर्थ वॉचिंग लग रही है यार अब तो। हाँ, मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये फॉन्ट्स वगैरह भी प्यारे हैं। अपनी शक्ति पे जानो बजरंग यार। हनुमान जी से नहीं भाई, डिसअपॉइंटेड हनुमान जी से तो, मतलब नहीं ना, मतलब वो मूंछें मिसिंग है या पता नहीं क्या, मूंछें थोड़ा थी हनुमान जी की, पर इनमें से फील नहीं आ रही मुझे सही से हनुमान जी की, इसमें तो उनकी फील। यार हमने ना एक्चुअली जितना भी देखा है, चलो वो वाले एक राम एक तो वो रामायण द लेजेंडरी टेल करके एनिमेशन थी, मतलब बचपन से मतलब वही देखते आए, वो तो किलर है, वो तो सबने सबने देखी होगी। और मतलब पूरी फीलिंग उसके साथ जुड़ रखी है, कैरेक्टर से वैसे कि नहीं यार वो पतले से सब कुछ ऐसे, मतलब क्यूट से और एकदम से वैसे वो है कि जो पुरानी रामायण है, जो मम्मी और के टाइम की रामायण है, अरुण गोविल जी की, हाँ, तो वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, मतलब उनके भी कैरेक्टर, उनके भी कैरेक्टर, उसमें भी अरुण गोविल से भाई साहब सच में राम वाली फील आती है, मतलब काफी स्वीट। इनकी आवाज भी आई थिंक भारी है, तो वो भी नहीं आ रहा ना, मतलब नहीं, ऐसा लेकिन अभी तक मतलब जो फ्रेम है, हाँ। जो सीन्स है वो इतने प्यारे हैं, मतलब अब मेरा मन कर रहा है कि मैं जरूर देखने जाऊंगा, 100% देखने जाऊंगा। एकदम से जब ब्रह्मास्त्र स्टार्ट किया था, हाँ। तो कितना अच्छा था, पुराना पुराना दिखा के कैसे वो एनिमेशन ये सब हुआ था, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वैसी फीलिंग अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। वीएफएक्स सीजीआई का काम, दोनों का काम, वीएफएक्स बहुत अच्छा कर लिया। पिछली मूवी जो पिछला वो टीजर था, तो वो क्यों क्या कर रखा है, कैसे चील कौए वो अजीब अजीब से आ रखे हैं। चल आगे देखते हैं, क्या पता हो अभी तो 2 मिनट का पड़ा है। तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। वाओ, ये था पिछली बार, ये है, हाँ ये है। जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, वाओ। देख खूब राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आज मेरे लिए मत लड़ना। वाह, कितना सुंदर सीन, कितना सुंदर बनाया यार। मतलब जैसे इन्होंने कैसे, मतलब कि ग्रीन स्क्रीन पे सारे कुछ शूट किया होगा क्या? तो हाँ, ग्रीन स्क्रीन नहीं है, वीएफएक्स और सीजीआई का काम है सारा, मतलब उतना उतना सेटअप बना लेते हैं असली, जैसे रेत गिरा दी और पत्थर रख दिए, बाकी सारी ग्रीन स्क्रीन होती है। जैसे तो एंड गेम की तूने देखी है कैसे? हाँ, तो वो देखी, एंड गेम जैसे शूट हुई है वैसे शूट होता है। मैं तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे, लड़ोगे, आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये पूरा वैसा नहीं आया एकदम से, क्या कह सकते हैं, कार्टूनिस्टिक नहीं टाइप होता है, एनिमेटेड, हाँ एनिमेटेड टाइप, हाँ, हाँ, वो ऐसे लगा जैसे रोबोट प्रभास की जगह कोई रोबोट बोल रहा हूँ जैसा लगा। अच्छा। मतलब वैसे तो बहुत अच्छा है, वो वाली बात नहीं मैं कर रही, बट मुझे वैसा मुझे अच्छा लगा। वाओ, ओ वाओ, कितना मस्त था। ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है, लक्ष्मी को पा ले, नारायण हो जाएगा। ओ बैलेंस लगा रहे अब मुड़े नहीं। वाओ, रामायण है भाई देखने तो जाएंगे। लेकिन जो पिछली बार था वो तो टीजर इन्होंने क्या मतलब की पागल बना दिया, या तो क्लाउड चेसिंग के लिए करा वैसा के क्रिटिसिज्म आएगा और फिर हम अच्छा सा दे देंगे इनको, प्रस्तुत कर देंगे, हाँ। चीज परोस देंगे, पता नहीं।
और या फिर तब शायद यार देख कहीं ना कहीं तो वो मोमेंट आना ही, मतलब कि वो चीज वो ना तो आना ही था, कोई सीन आना था जिसमें वो अजीब से राक्षस टाइप के बर्ड्स उड़ रहे हैं, वो सब ऐसे मार रहे हैं, उसकी पिचकू निकल रही है एकदम से, है ना, वो चीज तो आना ही था, बट वो भी नहीं है। और जो रावण ऐसे मुड़ते हैं और वो बहुत सारे मुंह बन जाते हैं, फिर उसके बाद एक और था जब इतना सा स्पाइस और बर्फ में बैठे हुए हैं, तो अब तो भाई देख के पता चलेगा उस दिन 16 जून, हाँ 16 जून पे पता चलेगा। और अच्छा एक ये भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि एक ही बार में एक ही पार्ट में दिखा देंगे सारे रामायण? ऑफ कोर्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बचपना शायद नहीं दिखाया है, बचपन वाला पार्ट शायद नहीं दिखाया, क्योंकि पूरे उसमें तो वही था कि जब सीता जी का हरण हो गया था, और शायद स्टार्ट ही सीता हरण से करा मेरे ख्याल से, वनवास दिखाएंगे वो भी बहुत, और क्योंकि एक भी दशरथ जी का सीन नहीं देखा मैंने। हाँ तो वही है ना, मतलब जो वनवास का, मतलब ये कि जो वनवास का था, जो 14 साल का था, तो वो शायद वो हो, वो मतलब कि जल्द जल्द दिखा दें, जो भी स्टार्ट ये लोग आई थिंक सीता जी के सीन वहाँ पे लंका में दिखाएंगे, और फिर वहां से स्टोरी शायद स्टार्ट करेंगे। हाँ तो बाकी देखते हैं क्या होगा। बहुत बहुत मतलब अच्छा। और एक ये चीज है कि ये शायद उनकी तरफ से नरेट हो रही है सारी स्टोरी, हनुमान जी की तरफ से। हाँ हाँ हनुमान जी नरेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वही उन्होंने बोला कि ये कहानी है, हाँ, है ना। एक ये प्रोजेक्ट है, और एक उसमें देखा था मैंने ऐसे सिराजे मोली हैं जो बाहुबली जी ने बनाई है, उन्होंने कहा था कि मैं महाभारत बनाना चाहता हूँ, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत बनाना, महाभारत पे मूवी, और 10 पार्ट की इंडिया की पहली मूवी होगी जिसके 10 पार्ट आएंगे। पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर बनेगी तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि रामायण और महाभारत हम देखते आए हैं, और हाँ। जो इन्हें देख के जो फील आती है ना, आती है सीरियसली, इतनी तो कहने से बाहर है वो तो फील। बाकी इस तो... पर हाँ, बाकी काम वगैरह सब कुछ बहुत सेक्सी है, वेफ सीजीआई सब कुछ बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे फ्रेम्स हैं। कास्टिंग से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं बस मैं, कि प्रभास वैसे तो बहुत बढ़िया लेजेंडरी एक्टर है, लेकिन राम जी के उसमें मुझे प्रभास नहीं फिट बैठे, मेरे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को भी थोड़ा सा वो लग रहा है। 16 जून को मिलते हैं गाइस, 16 जून को मिलते हैं, सब चलेंगे मूवी देखने के लिए। हाँ, मेरी तरफ से तो ये मूवी वर्थ वॉचिंग है, जरूर जरूर देखने जाना चाहिए। मैं तो ऑब्वियसली जाऊंगा, 100% जाऊंगा, मैं और कौन तो जाएंगे, मम्मी पापा भी जाएंगे, हम 4 जने जाएंगे, और आप लोग भी जाना। ऑफ कोर्स जाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, एंड शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।